अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बेसिक एंटरिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट एंड शॉर्टकट की को डिस्कस करेंगे। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह हैं। Using a combination of keys on your keyboard, like letters. जब हम keyboard को use करेंगे, key को use करेंगे, तो हमारे पास कुछ चीज़ें बनेंगी, जैसे letters, ठीक है, A to Z, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद numbers, 0 से 9, आपके पास कोई भी number हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and special characters. Like sign, symbol, ठीक है। तो कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो allows you to create line text, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, होम में हमारे पास ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में एक बैकवर्ड टाइप की पी शो हो रही है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होगा, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, यानी इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये हिडन चीज़ों को उसने शो करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, दिस इज ए स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क, ये एडवांस लेआउट टास्क के लिए स्पेशली यूज होता है, ठीक है। तो देखें जैसे हमने ये बैकवर्ड पी पे क्लिक किया तो ये इसने कुछ सिंबल देनी शुरू कर दी यहाँ पे, जैसे बैकवर्ड पी यहाँ पे इसने शो कर दिया, यहाँ पे डॉट इसने शो कर दी, यहाँ पे देखें डॉट। तो ये जहाँ पे भी स्पेस होगी, जहाँ पे भी स्पेस होगी तो ये इस तरह डॉट शो करेगा, और जहाँ पे हमने कोई नई लाइन हमने स्टार्ट की होगी तो वहाँ पे ये बैकवर्ड पी शुरू करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, जैसे मैंने इंटर किया तो उसने बैकवर्ड पी दे दिया। फिर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो फिर उसने यहाँ पे देखें बैकवर्ड पी दे दिया, ओके। और उसके बाद हम आते हैं इंटर की। तो इंटर की का क्या फंक्शन है, जो मैंने पहले बताया कि जैसे ही हम किसी जगह पे इंटर करेंगे तो हमारे पास ये बैकवर्ड पी देगा। यूजिंग द इंटर की विल क्रिएट ए न्यू लाइन एंड न्यू पैराग्राफ, जहाँ पे भी हम इंटर करेंगे न्यू लाइन के लिए या नए पैराग्राफ के लिए, वहाँ पे ये बैकवर्ड पी शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये हम क्यों यूज़ करते हैं, बाद क्या ऐसे होता है कि हमने कुछ पैराग्राफ्स लिखे या हमने कुछ रिपोर्ट्स बनाई तो हमारे पास डबल इंटर हो गया या हमारे पास डबल स्पेस आ गई तो हमें पता नहीं चला, तो इसके लिए हम एडवांस लेवल के लिए जो बुक्स वगैरह लिखते हैं तो बैकवर्ड पी पे क्लिक करें तो वो हमें बताएगा कि आपकी यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे आपकी डबल स्पेस है, यहाँ पे आपका डबल इंटर है, ठीक है। और ये तो था सिंगल इंटर की। अगर हम करें शिफ्ट इंटर, फॉर एग्जाम्पल Using shift enter will create a soft return. यहाँ पे जैसे हमने enter किया तो उसने यहाँ पे देखें एक बड़ा सा गैप यहाँ पे दिया उसने, ठीक है। अगर हम shift enter करेंगे, for example मैं यहाँ पे shift enter करता हूँ तो देखें हल्की सी space ने create की, तो means सिंपल इंटर करेंगे तो स्पेस बड़ी स्पेस क्रिएट करेगा, और जैसे ही हम शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो हमें वो हल्की सी स्पेस देगा। और उसके लिए देखें यहाँ पे उसने एक हुक एरो दे दिया, इस तरह का एरो का निशान आएगा। जब इस तरह का एरो का निशान आएगा तो हमारे पास शिफ्ट इंटर की होगी, और जब इस तरह का बैकवर्ड पी टाइप का आएगा तो हमारे पास खाली इंटर की होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टैब की तरफ।
टैब की। जैसे ही हम टैब को क्लिक करेंगे, टैब की को, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्लिक करता हूं टैब, तो देखिए उसने इतनी स्पेस क्रिएट कर दी, यहां पे एरो का निशान आ गया। ठीक है, तो जहां पे भी इस तरह का एरो का निशान होगा तो हमारे पास क्या होगी, टैब की होगी। उसके लिए मैं यहां पे जाता हूं व्यू पे, व्यू पे जाने के बाद देखें ये हमारे पास ये रूलर है। ठीक है, तो रूलर पे क्लिक करेंगे तो देखें यहां पे रूलर दे रहा है। ठीक है, इधर आप क्लिक करें तो यहां पे देखें ये हाफ पे दे रहा है, यहां पे जीरो है और यहां पे वन है, ये देखें हाफ पे दे रहा है। तो यहां से हम इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये टैब की को शो करेगा इस तरह का एरो। और फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक और टैब इंटर कर देते हैं, टैब की, देखें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डबल टैब की आ जाएगी, तो इस तरह जैसे ही हम ये बैकवर्ड पी पे क्लिक करेंगे तो हमें ये शो करेगा कि ये डबल टैब की यहां पे इंटर हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं स्पेलिंग की तरफ, एडिटिंग टेक्स्ट, और उसमें ये है कि अगर हमारे पास कुछ गलती हुई हो, किसी जगह पे स्पेस ज़्यादा हुई हो या किसी जगह पे कुछ और चीज़ हो तो हम एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें एडिट द स्पेलिंग मिस्टेज इन द सेंटेंस। आप देखें किसी जगह पे भी वो रेड लाइन नीचे शो करे तो मीन्स कोई मिस्टेक है, तो हमें पता है कि मिस्टेक के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि हम खुद यहाँ पे चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम खुद चेंज कर लें, अगर हम खुद चेंज नहीं करना चाहें तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे ये दे रहा है मिस्टेक मैसेज और इस तरह डिफरेंट चीज़ें दे रहा है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं मिस्टेक को। और अगर हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हो जाएं, तो उसके लिए यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, तो इसमें यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में ABC आएगा, ऊपर आप यहाँ पे इसको ऐड कर लें। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक किया तो उसने यहाँ पे स्पेलिंग दे दिया। तो काफ़ी सारे स्पेलिंग हैं, हम देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ हमारा बनता है तो उसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ये हमारा मिस्टेक था तो हम मिस्टेक के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर देंगे, जैसे क्लिक किया तो देखिए उसने चेंज कर दिया। ठीक है, ओके ओके कर दिया। तो एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं, सिलेक्ट करें, ABC पे क्लिक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, तो हमारे पास उसी तरह फिर स्पेलिंग आ गए। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद यहाँ पे देखें कि एक चीज़ यहाँ पे ये दे रहा है, आप अगर को आपको वॉइस चाहिए तो आप मिस्टेक वॉइस भी आप सुन सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे वो देता है डिक्शनरी का, मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी ऑलरेडी ऐड है, अगर आपके पास डिक्शनरी ऐड ना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा डिक्शनरी का, तो डिक्शनरी के ऊपर आप क्लिक करें तो आप डिक्शनरी यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आप इसको देखना चाहते हैं, इसके स्पेलिंग वगैरह, ये ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगी, तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल में देगा, व्हाट डज मिस्टेक मीन, यहाँ पे एरर मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक एरर मिस्टेक, ठीक है, नाउन है वर्ब है, ठीक है, वर्ब, इस तरह डिटेल में मिस्टेक के बारे में सारी डिटेल दे देगा यहाँ पे। फिर आपको इसका तर्जमा भी मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे आपको अरबी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी और लैंग्वेज में चाहिए, स्पेनिश में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, ठीक है, हिंदी में चाहिए, इटालियन में चाहिए, जापानीज़ में चाहिए, और
उर्दू वगैरह में चाहिए तो देखें, गलत गलत समझना, गलती गलत फहमी, भूल गलत करना, ठीक है? तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। उसके बाद देखें यहाँ पे इस तरह एक ब्लू लाइन देगा। तो ब्लू लाइन ये होती है कि बाज़ का आपका कोई जो पहला लफ्ज़ है वो आपने बड़ा लिखना होता है, या कोई आपके पास कोई और इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, कुछ स्पेस ज़्यादा आ जाती है, तो आप राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें सेंटेंस, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सही हो गया। और जो मैंने डबल टैप का बताया, यहाँ पे देखें डबल टैप, ये जो डबल टैप दे रहा है मीन्स यहाँ पे हमें सिंगल टैप चाहिए थी, यहाँ पे उसने डबल टैप दे दी, तो लिहाजा यहाँ पे हम सिंगल टैप कर देंगे, एक को हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे देखें ये डबल स्पेस शो कर रहा है, इसलिए भी इसी यहाँ अंडरलाइन शो हो रहा है, मीन्स यहाँ पे डबल स्पेस है। जैसे ही मैं एक स्पेस कम करूँगा ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें मैनी स्पेस, इसको भी मैं एक को कम करूँगा तो यहाँ पे देखें ठीक हो गया, ठीक है? यहाँ पे भी देखें डबल स्पेस है, ओके। तो जहाँ जहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो ये जो बैकवर्ड पी है ये हमें शो कर देगी कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपका कोई इंटर का मसला है, या फॉर एग्जांपल आपकी डबल टैप की है, या कुछ भी हो सकता है। जो स्पेलिंग है वो तो खैर अलग से ही हाईलाइट हो जाते हैं रेड, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको बैकवर्ड पी से पता चल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक पेज हुआ, हमने नया पेज लिया था, आगे पेज को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे उसने शो कर दिया कि भाई आपने पेज को ब्रेक भी किया है, यानी नेक्स्ट पेज पे गए हैं। ब्रेक पेज के लिए मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे आप ले सकते हैं ब्रेक पेज, ठीक है? तो हमने यहाँ से ब्रेक पेज लिया था, तो लिहाजा उसने ब्रेक पेज यहाँ पे शो कर दिया, ओके। और उसके बाद हम आते हैं एक और चीज की तरफ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी चाहता हूँ कि सेकंड पेज पे जाना, ऐसे क्लिक करके मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, एक दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैंने डाउन एरो पे क्लिक किया इस तरह, फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, इस तरह, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 पेज हैं, 500 पेज हैं, 1000 पेज हैं, तो इस तरह तो मैं चेक करते करते काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक करूँ तो ऐसे क्लिक करके मैं नीचे आता जाऊँ, ठीक है, जिस पेज पे भी मुझे जाना है, एक। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन दे रहा है टॉप बॉटम, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एंड पे चला गया, ठीक है? टॉप पे ऑटोमेटिक टॉप पे चला गया। अगर पेज डाउन, इस तरह पेज डाउन होता जाएगा, ठीक है, इस तरह पेज अप होता जाएगा, राइट क्लिक, पेज अप होता जा रहा है, यहाँ पे देखें स्क्रॉल अप, इस तरह स्क्रॉल अप होता जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें एक फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप चाहते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है गो टू, गो टू, तो हम चाहते हैं कि पेज नंबर सेकंड पे जाना, थर्ड पे जाना, फोर्थ पे जाना, मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 3 पे जाऊँ। तो जैसे ही मैंने 3 लिखा गो टू, ये पेज नंबर 3 पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 4 पे जाना चाहूँ, इस तरह हम पेज नंबर 4 पे चले जाए, ठीक है? और यहाँ पे टेबल है फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, प्रीवियस पे जाऊंगा तो सब प्रीवियस टेबल आ गया, फिर प्रीवियस पे जाऊंगा तो प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट पे जाऊंगा तो इस तरह नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है? जिस टेबल पे आप जाना चाहेंगे इस तरह क्लिक करते जाएं, जितने टेबल आपके पास होंगे टेबल आते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कोई पिक्चर ढूंढना, ग्राफिक, तो ग्राफिक पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट करूंगा,
जो भी हमारे पास पिक्चर होगी, पहली पिक्चर, फर्स्ट, सेकंड, इससे नेक्स्ट करता जाऊंगा। हमारे पास यहाँ पे एक ही पिक्चर है तो लिहाजा एक ही पिक्चर आएगी। तो इस तरह यहाँ पे आप गो टू पे जाके जो जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे आप लिखें, नंबर लिखें, ऑटोमेटिक ही आप फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और इसके बाद देखें एक चीज़ और है, इधर ही फाइंड पे आप क्लिक करें, यहाँ से आप नेविगेशन पे जाएं, कोई आप वर्ड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड पे क्लिक किया तो उसने ऐटोमेटिक ही चीज़ें यहाँ पे दे दी कि हमारे पास यहाँ पे भी वर्ड है, यहाँ पे भी वर्ड है, यहाँ पे भी वर्ड है, वर्ड का लफ्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरह, जो भी आप, मैं बैक पे क्लिक करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बैक पे क्लिक किया तो उसने बैक वाला वर्ड दे दिया। सेम उसी तरह फिर आप दोबारा जाएं फाइंड पे, तो यहाँ पे आप एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ जाएगा जो हमने पहले ढूंढा था, जैसे की है, की को फाइंड करना चाहते हैं, देखें यहाँ पे इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास की है, ठीक है। हम चाहते हैं वर्ड, वर्ड को फाइंड करना, तो इस तरह आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड कर सकते हैं और किसी लफ्ज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फाइंड वर्ड क्या था, वर्ड था, तो रिप्लेस, तो रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम वर्ड की जगह पे एक्सेल कर देते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी वर्ड का लफ्ज़ हो वहाँ वहाँ पे हमारे पास एक्सेल आ जाए। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको सिंगल पे करना है तो सिंगल के लिए आप सिर्फ रिप्लेस, जहाँ पे आपने ये, जहाँ पे आपका ये वर्ड आ रहा है सिर्फ उसी जगह पे ये रिप्लेस होगा सिंगल पे, अगर सिंगल पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो यहाँ, तो जहाँ पे भी आपका वर्ड का लफ्ज़ होगा वहाँ पे ये सारा एक्सेल आ जाएगा। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने क्या कह दिया, ऑल डन, वी मेड 17 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो 17 हमारे पास वर्ड के लफ्ज़ थे तो उसने क्या कर दिया कि 17 को रिप्लेस कर दिया, ओके। तो फाइंड में ये देखें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप गो टू पे भी जा सकते हैं, चीज़ों को फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओके। तो एडवांस में देखें मोर ऑप्शंस भी हैं, आप जो भी कुछ और चीज़ें भी आप लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं मोर ऑप्शन में, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट की तरफ, मीन डबल क्लिक, सिलेक्ट ए सिंगल वर्ड। अगर हमें एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ है तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, सिंगल वर्ड के लिए डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक किया इस तरह सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक किया इस तरह सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड जैसे ही सिलेक्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे देखें फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, बोल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इटैलिक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, कलर का ऑप्शन आ जाएगा, तो देखें यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट, कलर, बोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रिपल क्लिक, सिलेक्ट टू द पैराग्राफ मार्क। अगर हम ट्रिपल क्लिक करें, जैसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया था तो सिर्फ वर्ड सिलेक्ट हुआ था सिंगल वर्ड, यहाँ पे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट टू द पैराग्राफ। अगर हमें पूरा पैराग्राफ मार्क करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा, अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं क्लिक एंड ड्रैग, सिलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरह ड्रैग करते हैं
ऐसे हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को, और अगर हमें चाहिए हो अ लेटर एट ए टाइम तो फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो। अगर हमें कोई लफ्ज़ चाहिए, सिर्फ एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ या तीन लफ्ज़ हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद शिफ्ट और राइट एरो को मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह देखें एक लेटर सेलेक्ट हो गया, फिर हमने क्लिक किया, आगे देखें स्पेस को उसने सेलेक्ट कर लिया, फिर पी को कर लिया, फिर ए को, फिर आर को, फिर ए को, इस तरह आप शिफ्ट प्लस राइट एरो को आप इस तरह क्लिक करते जाएं तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर लेफ्ट एरो को क्लिक करूंगा इस तरह शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो ये फिर बैक आता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ शिफ्ट डाउन एरो को क्लिक करूँ तो इस तरह ये नीचे आता जाएगा, ठीक है। इस तरह ही आपको क्लिक करूंगा तो ये अप होता जाएगा, इस तरह ही, ठीक है। तो यहां पे आप शिफ्ट प्लस एरो से ये काम ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। यहां पे था शिफ्ट प्लस एरो और यहां पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। तो सेम उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट, देखिए उसने पूरा वर्ड को सिलेक्ट कर लिया एट ए टाइम। वहां पे शिफ्ट प्लस एरो में था सिंगल लेटर, यहां पे वर्ड है, तो इस तरह हम राइट को क्लिक करते जाएंगे राइट एरो को तो ये सिलेक्ट करता जाएगा। अगर डाउन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह, मैं लेफ्ट को क्लिक करता हूं इस तरह ये कम होता जाएगा, आपको क्लिक करूंगा तो इस तरह। तो इस तरह आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से आप ये काम ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं शॉर्टकट की तरफ कि शॉर्टकट की हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बताऊंगा कि आप वो बेसिक ही आप याद कर लें तो काफ़ी है। अगर आप एडवांस भी करना चाहेंगे और भी बहुत सारी की हैं, वो मैं नीचे दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक को हम देखते हैं, गो टू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आल्ट प्लस क्यू, आल्ट प्लस क्यू। जैसे मैंने आल्ट प्लस क्यू क्लिक किया तो यहाँ पे सर्च बार ओपन कर दी कि आप क्या ट्राई करना चाहते हैं, लीव ए कमांड, चेंज हाउ टू टेबल लुक्स, एडिट हेडर, प्रिंट, शेयर माई डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे ओपन, ओपन के लिए क्या है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ। जैसे ही कंट्रोल ओ को क्लिक किया तो यहाँ पे उसने ओपन कर दिया कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं या आप न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कंट्रोल एस, सेव, अगर आपको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस, फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, अगर शॉर्टकट करना चाहेंगे तो कंट्रोल एस। क्लोज, अगर आप क्लोज करना चाहें तो कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करें तो फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, जो भी आपने कट करना है तो कट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एक्स करता हूँ, देखें ख़त्म हो गया, ओके। कंट्रोल सी, कॉपी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कॉपी हो जाएगा। तो फिर कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी, यानी कंट्रोल वी करेंगे, जो मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया था, कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे देखें पेस्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए,
तो कंट्रोल ए करेंगे तो देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी बोल्ड, अगर आपको किसी लफ्ज़ को बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो लफ्ज़ बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर इटैलिक कंट्रोल आई सेलेक्ट करें तो ये इटैलिक बन गया। अंडरलाइन कंट्रोल यू तो देखें ये अंडरलाइन हो गया। फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, कंट्रोल आपके पास जो ब्रैकेट है कीबोर्ड पे, ठीक है, तो उसी को आप जो इस तरह की सिंबल है ना तो आप क्या करें ऐसे इसको सिलेक्ट करें तो इस तरह आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह ही इंक्रीज फॉन्ट 1 पॉइंट, तो उसी तरह ही हम फिर इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर टेक्स्ट, अगर आप किसी को सेंटर करना चाहते हैं किसी चीज को तो कंट्रोल ई, लेकिन यहां पे ये सेंटर होगी। फिर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, तो कंट्रोल एल के लिए आप क्या करेंगे, देखें यहां पे ये सेंटर था कंट्रोल ई, तो हम क्या करना चाहते हैं कंट्रोल एल, तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। फिर अगर हम राइट पे करना चाहें इसको तो कंट्रोल आर, देखिए राइट पे चला गया। कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। कैंसिल, तो कैंसिल के लिए हम स्केप को प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रिडू। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए उधर चला गया। कंट्रोल वाई करता हूँ तो वापस आ गया, अंडू एंड रिडू, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की एक फाइल है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट हैं इसमें, शॉर्टकट कीज हैं, तो ये काफ़ी बड़ी फाइल है, इसमें काफ़ी सारी शॉर्टकट चीज़ें हैं। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप काइंडली इसको भी देखिएगा। और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, तो आप इनको डिटेल से देखें। अगर आप जस्ट ये जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये जो की, अगर आप इनको ही जस्ट आप इन शॉर्टकट को ही आप याद कर लेना तो यही काफ़ी है। मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, यूज़ होती हैं लेकिन एडवांस लेवल पे होती हैं। तो जो सिंपल ऑफिस वर्क के लिए यही शॉर्टकट काफ़ी हैं, तो आप इन्हीं को कम से कम याद कर लें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें आप लर्न करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि ये भी जो शॉर्टकट्स हैं इनको भी आप देख लें, शॉर्टकट की को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।